आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है, उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी, ये वो लोग जो मशहूर है, ये है नामी गिरामी। अक्सर मजाक में लोग कहते हैं कि दुनिया में दो ही शहर हैं जिनमें रस जुड़ा हुआ है, एक तो हाथरस और दूसरा बनारस। हाथरस पश्चिमी यूपी के अलीगढ़ मंडल का एक जिला भी है और शहर भी। किसी के लिए ये रस नगरी है तो किसी के लिए हींग और रंग गुलाल के कारोबार का केंद्र। लेकिन इस सबसे इतर इस शहर ने एक कवि दिया है, या फिर ऐसे कहूं तो ज्यादा ठीक होगा कि एक हास्य व्यंग के उस्ताद को दिया है, जिसने अपने नाम में इस शहर का नाम जोड़ा तो हाथरस पूरी दुनिया का हो गया। हिंदी साहित्य में व्यंग को मुख्य धारा की कविता बनाने वाले एक ओजस्वी वक्ता, चुटीले और सधे हास्य व्यंग के रचनाकार, जिनमें सहजता इतनी कि कहते कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर तक के महान होने में उनकी दाढ़ियों का अहम योगदान है। सो खुद भी ऐसा ही हुलिया बनाया तो लंबी और घनी दाढ़ी वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी बच्चों सी सहज मुस्कान समेटे और व्यंग के जरिए राजनीति समाज की बुराइयों पर गहरा कटाक्ष करने वाले ये शख्स थे प्रभुलाल गर्ग, जिन्हें दुनिया ने काका हाथरसी के नाम से जाना। काका से कहने लगे ठाकुर ठर्रा सिंह, नाम सब कल्पित है। काका से कहने लगे ठाकुर ठर्रा सिंह, अरे दाढ़ी स्त्रीलिंग है, ब्लाउज है पुल्लिंग। दाढ़ी बढ़ गई स्त्रीलिंग, ब्लाउज पहन लिया पुल्लिंग। दाढ़ी स्त्रीलिंग है, ब्लाउज है पुल्लिंग, ब्लाउज है पुल्लिंग। भयंकर गलती की है, भयंकर गलती की है, मर्दों के सिर पर टोपी और पगड़ी रख दी है, दोनों स्त्रीलिंग। नमस्कार, आज तक रेडियो का बहुत ही खास प्रोग्राम नामी गिरामी सुन रहे हैं आप। मैं हूं अमन गुप्ता और इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं शुभम तिवारी। साल 1906, 18 सितंबर की तारीख। हास्य व्यंग विधा के महनी हस्ताक्षर प्रभुलाल गर्ग का जन्म हाथरस में हुआ। पिता शिव कुमार गर्ग और माँ बर्फी देवी के घर में जन्मे प्रभुलाल का बचपन, इससे पहले कि समर पाता प्लेग जैसी जानलेवा बीमारी ने उनके पिता की असमय जान ले ली। पति की मौत के बाद मां बर्फी देवी उन्हें इगलास अपने मायके ले गईं और वहीं उनका बचपन बीता, मगर बेहद गरीबी में। किशोरावस्था में वे वापस हाथरस लौटे और काम करने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई करनी शुरू की। पढ़ाई लिखाई का मतलब था साहित्य, कविता कहानियों में रुचि, और रुचि क्या, प्रभुलाल उसमें गोते लगाने लगे और इसी कड़ी में एक नाटक में मंचन किया और प्रभुलाल गर्ग हो गए काका हाथरसी। काका के पौत्र और हर साल आयोजित होने वाले काका हाथरसी पुरस्कार ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी अशोक गर्ग काका के पेन नेम रखने के वाक्य को बताते हैं। काका जी जब छोटे थे उस उम्र में उनको एक नाटक में किरदार दिया गया, एक पंजाबी बच्चा या नौजवान काका, और उन्होंने काका का रोल किया। वो इतना सफल रहा, इतना अच्छा हुआ कि उसके बाद से जब भी काका बाजार में निकलते थे सब उनको काका 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 कह के पुकारा करते थे। बस वहीं से उन्होंने अपना नाम पेन नेम काका रख लिया और बाद में हाथरस में रहने वाले थे तो उसमें उन्होंने हाथरसी जोड़ दिया, ये बन गए काका हाथरसी। काका के बारे में अशोक जी कहते हैं कि बच्चों जैसा सहज निष्कपट भाव बड़े विरले हैं, लेकिन ये काका की पहचान रही और शायद इसलिए बच्चे से लेकर बूढ़े तक उनके इर्द गिर्द बने रहते थे। काका गांधीवादी तो थे ही, बेहद आदर्शवादी भी थे। अक्सर हास्य पैदा करने वाले लोग असल जीवन में बहुत संजीदा होते हैं और उनमें बड़ा एक विरोधाभास देखने को मिलता है। मिसाल दी जाती है, हंसता हूं आसपास के आंसू समेट कर, वे क्या खाक हंसेंगे जिन्हें रोना नहीं आया। शायद ऐसा पक्ष काका में भी रहा हो कहीं, लेकिन उन्होंने कभी इसे जाहिर नहीं होने दिया। हसमुख और चंचल स्वभाव वाले काका के बारे में लोग बड़े चाव से बताते हैं कि कोई भी उनके पास अगर गंभीर चेहरा बनाकर बैठ जाए तो वे तुरंत कहते, ये मनहूस सूरत लेकर यहां मत बैठो। अशोक गर्ग बताते हैं कि गरीबी और संघर्ष के बावजूद उन्होंने हसमुख स्वभाव अंदर और बाहर समान रूप से रखा।
शायद यही वजह रही होगी कि 90 के दशक में काका हाथरसी की लोकप्रियता शिखर पर पहुंची। मकबूलियत ऐसी कि एक बार चंबल के डाकू काका हाथरसी और कुछ कवियों का अपहरण करके बीहड़ ले गए ताकि उनका सरदार भी काका की कविताएं सुन सके। काका जी बहुत बिजी रहते थे, प्रोग्रामों में काफी व्यस्त रहते थे। महीने में करीब 20 दिन उनका बिस्तर बंधा ही रहता था और वो हमेशा सफर करते रहते थे कवि सम्मेलनों के लिए। तो मुरैना में एक कवि सम्मेलन था और वहाँ मुरैना जो है वहाँ चंबल का इलाका है, डाकुओं का इलाका है, तो वहाँ डाकू काफी हैं। तो कवि सम्मेलन के बाद जब कवि सम्मेलन खत्म हो गया तो रात को डाकू भी आए थे सुनने के लिए, और डाकू माधो सिंह जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है उनका नाम था, और एक डाकू तहसील सिंह थे, ये बड़े मशहूर डाकू थे। तो वो आए उनके पास और बोले कि हमारे साथ चल, बड़ी मुश्किल ना कर नहीं सकते, और उनको उठा के ले गए वो। और साथ में एक दो कवि और भी थे जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, शायद बाल कवि बैरागी थे या नीरज जी थे, उनको ले गए और डाकुओं ने अपने अड्डे पे ले जाके उनसे कविताएं सुनी। बाद में उन्होंने 100 रुपये और दिए काका जी को कि भाई ये हम बख्शीश दे रहे हैं। तो उनको लेने में भी डर लग रहा था, लेकिन फिर बाद में बड़े सम्मान के साथ उनको वापस लेके आए। तो ये संस्मरण काका जी का बड़ा मशहूर है। प्रवास काका के जीवन का अभिन्न अंग रहा। काका कई बरस तक लगातार 1 महीने के लिए कर्णवास जाया करते थे। कर्णवास गंगा के तट पर एक छोटा सा गांव है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में डिबाई के पास। यहां वे 1 महीने के लिए जाते। सभी को यह मालूम होता कि वे 1 मई को वहां जाएंगे और 31 मई को वापस लौट आएंगे, और फिर जून महीने के पहले हफ्ते में मसूरी चले जाते और यहीं से 2-2.5 महीने के दौरान वे रचनाएं करते। सिर्फ कविता नहीं बल्कि काका चित्रकारी भी करते, और वो भी शानदार। संगीत, अभिनय और निर्देशन पर भी उनकी गहरी पकड़ थी। उन्होंने शास्त्रीय संगीत पर किताबें लिखी, और वो काका के नाम से नहीं बल्कि बसंत के नाम से, और हाथरस में संगीत कार्यालय की उन्होंने स्थापना की। काका के पास भाषा का लालित्य भी मिलता है और सम्मिश्रण भी। ब्रजभाषा और संस्कृत का ज्ञान काका को विरासत में मिला था, साथ ही अंग्रेजी और उर्दू पर भी उन्होंने अच्छी पकड़ बना ली थी। मशहूर व्यंगकार और शिक्षक आलोक पुराणिक तो यहाँ तक कहते हैं कि जो भी हिंदी हास्य परंपरा को समझना चाहता है उसकी काका हाथरसी से वाकफियत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि काका के पास जो हास्य है वो सहज है और बिना किसी फूहड़पन के है। काका हाथरसी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन योगदान है कि बहुत सहज, बहुत ही सरल शब्दों में हास्य को उन्होंने रखा, और बिना फूहड़ हुए, बिना इस तरह की बातें किए हुए कि जिसमें बहुत किसी कमजोर व्यक्ति का, किसी विकलांग व्यक्ति का अपमान करने वाला सिलसिला कोई उनके हमको रचनाओं में नहीं मिलता। एक सहज हास्य के प्रवर्तन करने वाले, उन्नयन करने वाले काका हाथरसी की सबसे बड़ी खूबी है कि सहज बुद्धि का व्यक्ति 12 वर्ष से देके और 72 वर्ष तक के एज ग्रुप का व्यक्ति जिसमें बेसिक सेंस है, वो उनकी कविताओं को पकड़ सकता था, समझ सकता था। तो एक सहज हास्य, मुझे लगता है कि हम सब जो उनके बाद की परवर्ती पीढ़ी के लोग जिनका कोई भी ताल्लुक हास्य व्यक्ति है, तो ये समझे काका की टेक्निक्स क्या है, काका किस तरह की चीजों को पेश करते थे, काका किस तरह से देखते थे, काका की भाषा का सहजपना क्या। तो एक हास्य व्यक्ति छात्र के तौर पर मैं काका को एक अपना उस्ताद के तौर पर देखता हूँ, क्या क्या हम उनसे सीख सकते हैं। तो शायद यही सहजपना था कि वे कहते थे कि मैं विद्वान और रिक्शा वाला दोनों के लिए लिखता हूँ। आलोक जी कहते हैं कि ऐसा कह पाने का मादा इस भेद को पार कर जाने के बाद आता है जहां कवि को बस कहन और कथन में बात पैदा करना होता है, और फिर वो कविता आवाम की बन जाती है। यही बात काका हाथरसी की कविता में दिखती है, जो आम से खास तक समान हास्य भाव के साथ पहुंचती है। आज अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि तमाम लेखक और व्यंग कवि काका की रचनाओं की शैली अपनाकर लाखों श्रोताओं और पाठकों का मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन वे सिर्फ शैली सीखने में ही अटके रह जाते हैं। काका सिर्फ इतना भर नहीं है, और भी कुछ चीजें हैं जो बिना मिले आप उनसे सीख सकते हैं। मसलन उनका कुंठा रहित होना, और तमाम लोकप्रियता के बावजूद लेखन और रचना धर्मिता को नहीं छोड़ना। आखिरी समय तक कुछ नया लिखने की प्यास और असंतुष्टि की कुछ और नया आयाम पैदा कर दूं, ये काका में मिलता है। आलोक पुराणिक, काका से मैंने जो चीजें सीखी है बिना काका से मिले हुए, तो ये सीखी कुंठा मुक्त सहज रही है। कुंठा मुक्त सहज रही यानी कि जो हम फ्रस्ट्रेशन पाल लेते हैं, तरह तरह के कॉम्प्लेक्सेस पाल लेते हैं ना, तो
तो उससे हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। काका तो हास्य रचना में कुंठा वगैरह कुछ नहीं है, अभी मैं देखता हूँ कई नए रचनाकार हैं, तमाम तरह के फ्रस्ट्रेशन, तमाम तरह के कॉम्प्लेक्स, अरे भाई रचो 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 और आगे निकलो। तो काका ने अद्भुत, आप देखो वो आदमी इतने लंबे समय तक बैठना रहा और नित नए इनोवेशन, नित नए काम, नित नए प्रोग्राम। तो ये जो एक अंदर की भूख होती है, रचनात्मक भूख होती है ना, तो काका बोलता भविष्यगामी, भविष्य की ओर देखने वाले व्यक्ति, नए नए इनोवेशन करने वाले व्यक्ति थे। तो ऐसा बहुत कम मिलता है। होता दरअसल क्या है कि ग्राफ कैसे चलता है, फिर वो 20 साल बहुत मेहनत, उसके बाद स्टैब्लिश, 10 साल उसको बहुत मेहनत से जो हमने अर्जित किया उसको हमने कैच किया, और फिर डिक्लाइन शुरू होता है। काका के यहाँ डिक्लाइन है ही नहीं, काका रोज नया रच रहे हैं, रोज नया सोच रहे हैं, कई बार तक काका पीछे देख ही नहीं रहे। तो मूलतः वो रचनाधर्मी व्यक्ति थे। तो हमें रचनाधर्मिता को अपने जीवन के आखिरी दिन तक प्रवाहित करना है, ये हम काका जी से सीख सकते, जो मैं सीखता हूँ। तो ये रचना धर्मिता और कुंठा मुक्त जीवन काका हाथरसी के व्यंग को केवल मनोरंजन तक नहीं बल्कि उससे पार ले जाता है, जहां समाज और राजनीति की कुरीतियों और कुशासन पर व्यंग है। थके हारे इंसान को हंसने, गुदगुदाने और ठहाके लगाने को मजबूर करना है। पद्मश्री से सम्मानित हुए काका जी ने जमुना किनारे करके एक फिल्म भी बनाई थी अपने बेटे लक्ष्मी नारायण गर्ग के साथ मिलकर, उसमें अभिनय भी किया था। और फिर समय थोड़ा आगे बढ़ा, जीवन के ढलान की बेला आई। 89 वर्ष की उम्र में काका हाथरसी ने अपनी जन्मदिन की तारीख 18 सितंबर 1995 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन कहते हैं ना कि असल अभिनेता निर्देशक वही है जो पर्दा गिरने तक सबको थामे रखता है और अपनी कला की छाप लोगों के जहन पर छोड़ जाता है। काका ने भी यही किया। काका ने अंतिम इच्छा जाहिर की कि उनके मरने पर सभी लोग हंसें, कोई भी ना रोए। अशोक गर्ग जी उस बात को बताते हैं कि लोग न सिर्फ हंसे बल्कि ठहाकों के बीच उनका अंतिम संस्कार हुआ और शमशान स्थल पर कवि सम्मेलन हुआ। काका जी की इच्छा थी कि भाई जब मैं मरूं तो कोई रोए नहीं, सब हंसते रहे एकदम, और मेरी शव यात्रा ऊंट गाड़ी पर निकाली जाए। और ऊंट गाड़ी से उनको बचपन से ही कुछ लगाव था, तो उसकी वजह से वो चाहते थे कि ऊंट गाड़ी पर शव यात्रा निकाली जाए। ऐसा ही किया गया, मेरे पिता और मेरे चाचा जी और परिवार के सब लोगों ने साथ में मिलजुल कर वो शव यात्रा ऊंट गाड़ी पर निकाली। और जब वहाँ शमशान भूमि में जब पहुंची शव यात्रा, तो वहां पर जब तक शव की क्रियाक्रम होता रहा, आग जलती रही, तब तक लगातार हास्य कवि सम्मेलन चलता रहा। पता नहीं कहां कहां से कवि वहां आ गए, सब लोकल कवि थे, और वो सब आ गए और अपने आप कविता पाठ करते रहे और वो चलता रहा। ऐसा न कभी हुआ न कभी होगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो ये थे काका हाथरसी, जो मृत्यु के बाद भी हमें गुदगुदाते रहे। आज जब भी हमें चुटीले व्यंगों से सरकार की आलोचना करनी होती है, हम काका की पंक्तियों को ले आते हैं। यहां तक कि हुक्मरान और विपक्ष भी काका की पंक्तियों को ढाल बनाकर अपनी बात को पुष्ट करता है, यही उनकी उपलब्धि है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं अमन गुप्ता अब आपसे इजाजत चाहूंगा। इस प्रोग्राम को प्रोड्यूस किया है हमारे साथी शुभम तिवारी ने। प्रोग्राम से जुड़ा आपका कोई फीडबैक है, आप कोई सलाह देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं या फिर शिकायत करना चाहते हैं, तो हमें radio@aajtak.com पर ईमेल कीजिएगा। नामी ग्रामी में अगले हफ्ते किसी और शख्सियत का सफरनामा लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं है। अरे तो महाराज, उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से, आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और सारी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। प्लान बनाओ, कितना ज़्यादा रखना।